Next, the topic is IDaaS, Identity as a Service. जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो ये सारी चीज़ें हमारे IDaaS से कनेक्टेड है, क्लाउड से, जो कि हमारी कोई भी कंपनी है, जैसे कि उसका कोई ऐप है ABC, वही ऐप XYZ या RTY हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में. इसका एक प्रोसेस होता है बेसिकली, जो यूज़र है वो लॉग इन रिक्वेस्ट है, जैसे कि लैपटॉप में खुला है तो यहाँ पे यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, तो ये जब भी लॉग इन करेगा तो ये लॉग इन रिक्वेस्ट भेजेगा IDaaS से. बेसिकली ये एक आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा कि ये है कौन. तो यदि एक बार हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है इधर से, तो फिर ये इधर जाएगा और लॉग इन कन्फर्मेशन कर देगा, तो आप इसे लोकल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या क्लाउड एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन एनी अदर ऐप्स. तो यहाँ पे इसका एक प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और फेडरेशन. तो हमारे पास फाइनल आफ्टर दैट वी कैन एक्सेस द सर्विस. IDaaS इज़ अ क्लाउड बेस्ड सर्विस दैट प्रोवाइड IAM सोल्यूशन. बेसिकली IAM वही होते हैं सोल्यूशंस जो कि आइडेंटिटी हमारे किसके पास कौन सी आइडेंटिटी, जैसे एडमिन है हमारा, उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी, फैकल्टी है तो उसके पास थोड़ी सी लो होगी एडमिन से, ऐसी स्टूडेंट के पास लो, सबसे लो होगी. तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं बता सकती हूँ आपको. ये IAM वही होते हैं, जो IDaaS है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड की, जो हमें ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है. अनलाइक ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस AIM सिस्टम, IDaaS इज़ डिलीवर एज अ SaaS मॉडल. बेसिकली यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा था कि SaaS मॉडल्स वो होते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे हम उसके रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, मीनिंग इट होस्ट एंड मेंटेन बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं होता डेटा, मतलब इन सब का, जैसे एप्लीकेशन का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का, बस हमारे पास अपने डेटा का ही होता है. अब जैसे SaaS का हमने एग्जांपल लिया था माइक्रोसॉफ्ट 365, वहाँ पे हम PPT यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे गूगल में इन सारे, तो ये हमारे पास पर्सनल चीज़ें होती है SaaS में. बट ये कभी कभी हमें पैसे भी देने पड़ते हैं यदि आप थोड़े उस हिसाब से लो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. तो ये सारी किस पे प्रोवाइड करता है, IDaaS हमारे SaaS मॉडल पे हमारे डिलीवर करता है. हमें दिस अप्रोच ऑफर्स, क्या ऑफर करती है हमें, एक स्केलेबिलिटी करती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट इफिशेंसी. तो ये सब है हमारा IDaaS, आइडेंटिटी एज अ सर्विस. अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं. तो ये एक सिंगल साइन इन ऑन होता है, SSO. बेसिकली एक जगह आपने लॉग इन कर लिया तो आप मल्टीपल ऐप्स में भी लॉग इन कर सकते हो. कभी कभी ये मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करता है, यूज़ करता है, बेसिकली IMFA, विच प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर टू वेरीफाई द मल्टीपल यूजर्स टू देयर मल्टीपल डिवाइसेस. तो अब थर्ड आता है यूज़र प्रोवेंशन, बेसिकली ऑटोमेटिक मैनेज यूज़र अकाउंट्स. फोर्थ इज़ एक्सेस मैनेजमेंट, कंट्रोल हु कैन सी एंड व्हाट. द फिफ्थ इज़ क्लाउड बेस्ड, इट मैनेज्ड एंड एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड. एंड हाउ डज IDaaS वर्क. सो द फर्स्ट इज़ यू कैन लॉग इन ऑन द ऐप, ऑन देयर एप्लीकेशन, ऑन देयर वेबसाइट, फ्रॉम देयर वेबसाइट. सो IDaaS लेट्स यू यूज़र साइन इन टू द ऐप विद वन अकाउंट, ओनली द वन अकाउंट. सेकेंड ऑथेंटिकेशन, इट चेक्स इफ द यूज़र हु दे आर से दे आर. थर्ड इज सिंगल साइन इन SSO, यूज़र लॉग इन वंस टू एक्सेस मल्टीपल ऐप्स. द फोर्थ इज एक्सेस कंट्रोल, इट कंट्रोल्स वट यूज़र कैन डू बेस्ड ऑन रूल्स. बेसिकली ये यूज़र है वो कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को, ऑन इट्स बेस्ड ऑन वट रोल इट इज़ असाइंड. फिफ्थ इज क्लाउड बेस्ड, IDaaS रन्स ऑनलाइन एंड सो नो नीड फॉर ऑन साइट मैनेजमेंट. ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती है, कोई भी मैनेजमेंट ऑन साइट जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सब है हमारे IDaaS. अब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है हमें IAM एंड वर्सेस IDaaS. तो जो हमारा IAM होता है वो मैनेज करता है यूज़र आइडेंटिटी और एक्सेस करता है रिसोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ देयर यूज़र आइडेंटिटी, ओपन थ्रू ऑन प्रेमिसेस सिस्टम लाइक एक्टिव डायरेक्टरी. एज द IT लैंडस्केप शिफ्ट टू वेब एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल IAM स्ट्रगल लीडिंग टू द राइज ऑफ दिस. IDaaS इज़ अ सबसेट ऑफ IAM. बेसिकली जो हमारा IAM है, ये है हमारा IAM, ये इसका एक सबसेट है IDaaS.
IDAAS, which basically focus on simply access to web application using cloud-based platform. It offers single sign-in on for easy and secure and manageable identity. तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ, आई होप सो. बेसिकली IAM हमारा मैनेज करता है कोई भी यूज़र की आइडेंटिटी और उसके ऑन बिहाफ पे जो भी हमारी आइडेंटिटी निकलती है, जो भी रोल बेस्ड निकलता है, उसी वो उतना ही रिसोर्स एक्सेस कर सके, वो IAM में होता है. बट ये प्रॉब्लम तब आने लगी जब हमारे पास वही रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, हमारे पास डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस आ गए, हमें डिफरेंट वही सेम डेटा हर जगह शेयर करना है लॉग, जैसे कि हमें वही चीज़ फ़ोन में भी चाहिए, लैपटॉप में चाहिए, डेस्कटॉप में चाहिए. तो इन सब के IPs भी बदलते रहते हैं. तो इन सब के सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास ये सब आया है, IDAAS, जो कि सिंपल बस यही चीज़ देखता है कि ये वही व्यक्ति है जो ये बोल रहा है, तो वहाँ पे लॉगिन कर दो. इसलिए ये यूज़ करता है कि इनकेस यदि वो सेम पर्सन है, तो ये फॉर दिस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर इट यूजेस द मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू वेरीफाई इट द यूज़र सेव व्हाट दे आर.